तीन में से एक, तीन में से एक। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे व्लॉग में आपको फिर से एक क्रिकेट का मैच दिखेगा, तो जो कि है हमारे दादा भाई वर्सेस डाकूस। दादा भाई जो कि शांतनु भैया की टीम है और डाकूस जो कि जग्गी भैया की टीम है। ये राइवलरी काफ़ी टाइम से चल रही है, तो इस बार हमारे पूरे वाघा बॉन्ड के लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग सबके सब मिलके 5 मैचों की सीरीज़ खेलेंगे। देखते हैं कि ये सीरीज़ को कौन जीतता है। और इस मैच में जो कि है काफ़ी भयानक भयानक लोग आ रखे हैं आज। चलो देखते हैं गाइस, इस मैच में हम सारे के सारे आपस के लोग हैं और हम लोगों ने आपस में ही टीम बांटी है। ये ऐसे पहले भी हो चुका है और शांतनु भैया दोनों के दोनों मैच जीत चुके हैं, इसलिए ये डिसाइड हुआ था, जग्गी भैया ने ये डिसाइड किया था कि अब 5 मैच की सीरीज़ खेलेंगे जिसमें कि देखते हैं कौन जीतता है। तो अब टॉस का टाइम आ चुका है, हम ग्राउंड पहुँच चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरे मैच का सीधा प्रसारण। और ये टॉस होते हुए सच गए, टॉस जीत गए हैं, शांतनु भैया जीत गए हैं टॉस, दादा भाई ऑन द टॉस। और ये चेहरे मुरझाते हुए, क्या किया आपने मन्नी भाई के साथ, ये बताओ पहले आप। सैक्रिफाइस करना पड़ा, बट एक आदमी को मैंने उसको कर दिया। ये पूरे मन्नी भाई को पूरे रात भर दारू पिला के आए हैं। कह रहे हमारे बेटे का बेटा हुआ, कप्तान साहब डांटते हुए हमारे इनको ये इलाके ला गए बंदे को, और वो आया ही नहीं है। गाइस टीम मीटिंग होते हुए हमारे डाकूस की पूरी प्लानिंग चल रही है कि कैसे इनको हराया जाए। बड़े बड़े प्लेयर भगा रहे हैं हमको, देखिए भगा रहे हैं। ये इनके मेन बॉलर और इनका जन्मदिन है भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आलोक। की टॉकिंग। और गाइस पहली बॉल मैच की और वाइड गेंद, पहली बॉल वाइड गेंद, पहला रन लगता हुआ बैट से, और काफी अच्छा टैप किया है तो आया नहीं है अभी तक, वही पी के भंडे। और बेहतरीन शॉट और बेहतरीन कैच अभिजीत द्वारा। बहुत बड़े प्लेयर आ चुके हैं इस मैच में, रविंदर शर्मा भैया, पता है आपको मैंने क्यों बुलाया है? यहाँ पे आपके सामने दो प्लेयर हैं आज, सौरभ महापात्र और तरुण भैया के लिए। और आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है आपको क्या करना है, बटन मार मार के। और ये काफी तेज डालेगा, इसको ऐसा लग रहा है लेकिन पिच स्लो है। अरे भाई रुक के आई भाई बॉल, तो रुक के आ गई भाई, एबीएस लाइट के कोने एंड से। और ये काफी बड़ा गॉल, कैच पकड़ लिया गया, एक और बेहतरीन कैच। नेक्स्ट बॉल और काफी ऊपर डाल दी, और एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट का पतन होता हुआ। और काफी अच्छी बॉल अभिजीत, जो कि काफी अच्छी बॉल डाल रहे हैं आज। और ये काफी अच्छा शॉट, थर्ड मैन में फील्डर लगाते हुए अभय भैया, और एक और चौका जा रहा था, और चौका किस्मत साथ देती हुई बहादुरों का, चार रन चौका, बैक टू बैक दो चौके, और ये मिसफील्ड करते हुए, काफी मिसफील्ड कर रहे हैं, कम से कम 3 या 4 कैच छोड़ चुके हैं अभी तक। और लगते हुए देखा, इसलिए कहते हैं देखने लायक। और अरे यार बोल होते हुए, क्या है बल्ले में लगी गई है लगा, ये गई गाड़ी, गई दादा की गाड़ी। भाई ये गलती कर दी उन्होंने, हट दो गए, दो गए, दो भागेंगे, दो भागेंगे बहुत। और यहाँ पे दादा भाई का स्कोर है 15 ओवर 86 for 6, काफी कोलैप्स हुए हैं आज। और ये छोटी बॉल, और यहाँ पे बॉल आती हुई बाउंड्री की तरफ,
भागते हुए सौरभ भैया और यहाँ पे दो रन प्राप्त हुए हैं। और लंबा शॉट, काफी लंबा शॉट मोहित डी जी द्वारा, जोगी जी काफी संभली हुई पारी और बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट हैंडल हो गए सर। मोहित डी जी काफी अच्छा खेलते हुए और ये अच्छी बॉल, काफी अच्छी बॉल। अगली बॉल अभिजीत के द्वारा और बेहतरीन शॉट, क्या बेहतरीन शॉट मारा है मोहित डी जी अपनी फॉर्म दिखाते हुए। और ये एक और अच्छा शॉट, अरे और बेहतरीन शॉट और सिंगल रन, शाबाश, काफी अच्छा रन, बहुत बढ़िया गाइस। अरे बेहतरीन शॉट और ये कैच ड्रॉप, अरे और ये देखिए क्या शॉट मारा है, चार रन के लिए जाती हुई बॉल, अरे देखिए यहीं पे खड़ी कर दी गई है और बेहतरीन कैच। ये देखिए हाँ बताओ होता क्या है, हाँ पाकिस्तान है ना ज्यादा मैच जीतता है, ऐसे नॉर्मल मैच है। अबे बहुत गंदा एग्जांपल लेंगे, सुन मैं वर्ल्ड कप में ना, हाँ इंडिया ही खेलता है पाकिस्तान। अरे आप पता कैसे कुछ हो रहा है, बांग्लादेश टीम की तरह बांग्लादेश एक मैच जीतता है ना, सारे मर जाओ, नहीं जीतेगा हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। हाँ हार गए कोई बात नहीं, बांग्लादेश तक हारते हैं कोई दिक्कत नहीं। गाइस तो फाइनली हमारा मैच हो गया है खत्म, आज जग्गी भैया की टीम डाकूज वाले हमसे जीत गए, हमने जो कि 20 ओवर में टारगेट दिया था सिर्फ 125 रन का। आज कोई भी हमारी टीम से किसी ने भी बढ़िया नहीं खेला सिवाय जोगेश जी के, जोगेश जी ने काफ़ी अच्छी 44 रन की पारी खेली और हमारे जग्गी भैया की टीम ने ये टारगेट सिर्फ 16.4 ओवर में जीत लिया। और सबसे बढ़िया बैटिंग करी उनकी टीम से जग्गी भैया और मोहित बिष्ट ने, जग्गी भैया ने हमारे यहाँ 56 रन और मोहित बिष्ट भैया ने 17 बॉल पे 27 रन। तो मैं इस व्लॉग में आपको जग्गी भैया लोगों की बैटिंग तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं उस टाइम कर रहा था फील्डिंग, तो हमारी बैटिंग आप देख सकते हो, काफ़ी सारे कैच जो डाकूज ने छोड़े हैं वो भी रिकॉर्ड हो रखे हैं और हमारे जो विकेटों का पतन हुआ है वो भी इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी ये 5 मैचों की सीरीज़ है, 1-0 से वो लोग हमसे आगे हो चुके हैं, देखते हैं अभी और आगे क्या क्या होता रहता है। तो ये 5 मैचों की सीरीज़ मैं आपको इस व्लॉग में दिखाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को तब तक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन बजा दीजिए ताकि आपको ये सारे मैचेस की एक हाईलाइट मेरे ब्लॉग के थ्रू मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सब अपना ध्यान रखें।